पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरूनी साजिश की नाकामी पर इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है। डी चौक पर इस वक्त पीटीआई रहनुमाओं समेत कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान भी इस जश्न में शिरकत करेंगे और साथ ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। सूरत हाल इस वक्त डी चौक पर है क्या, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मलिक सईद आवान आपको मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ज़मीर फरोशी और मुल्की खुद मुख्तारी के हवाले से यहाँ एक एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए कारकुनान की आमद शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आमिर कियानी और दीगर एजाज चौधरी वगैरह यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस हवाले से आमिर कियानी ने मीडिया से टॉक भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में मौजूद पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो है वो यहाँ पर डी चौक में जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर जो है वो जश्न भी मनाया जाएगा, आतिशबाजी भी की जाएगी और इमरान खान वज़ीर आज़म की यहाँ पे आमद भी मुतवक्को है। जो बॉल न्यूज़ ने जब इस हवाले से आमिर कियानी से सवाल किया तो आमिर कियानी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने अपना यहाँ पे आमद का अंदिया दिया है, ताहम अभी हम टाइम नहीं बता सकते कि वो कब आएंगे। यहाँ पे आपको मेरे पीछे जो है वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी, जो कि इंतहाई पुरजोश है और पीटीआई के हक में नारेबाजी कर रही है, जबकि अपोजिशन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सारी सूरत। मलिक सईद आवान आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।